ये स्कैपुला बोन है, इसका रीजन शोल्डर रीजन है, ये शोल्डर रीजन में होती है। टाइप ऑफ बोन ये फ्लैट बोन है। फ्लैट बोन इसलिए कि टू डायमेंशन में बोन फैली हुई है। उसके बाद शेप ट्राइंगुलर शेप है, एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया, और एक कोना ये ट्राइंगुलर बन रही है। डोर्सल बॉर्डर, डोर्सल बॉर्डर इसका ये वाला है जो कि टुवर्ड्स द मेन मास है, ये वाला। यहाँ पर स्कैपुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, यहाँ पर स्कैपुलर कार्टिलेज लगी होती है। उसके बाद वेंट्रल एंगल, ये वाला वेंट्रल एंगल है, यहाँ पर शोल्डर जॉइंट बनता है, शोल्डर जॉइंट बनता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, क्योंकि ये शोल्डर रीजन में मौजूद है इसलिए इसे कहते हैं शोल्डर जॉइंट। और ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस, ये क्या है, सॉकेट बन रही है, इसमें आकर ह्यूमरस का हेड अटैच होता है, इस वजह से ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस इसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, कि ये मूवमेंट कितनी शो करता है, इस बेस पर इसे कहते हैं डाई आर्थ्रोडियल जॉइंट, यानी हाईली मूवेबल जॉइंट। अब इसकी दो सर्फिस हैं, एक लेटरल सर्फिस है, एक मीडियल सर्फिस है। लेटरल सर्फिस की निशानी ये है कि इस पर स्पाइन ऑफ स्कैपुला मौजूद होता है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला ये वाला है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला। और यहाँ पर एक्रोमियन प्रोसेस मौजूद होता है जो कि ऑक्स और डॉग में होता है। यहाँ पर ये हॉर्स की है, चूँकि इसलिए हॉर्स की है इसलिए यहाँ पर एक्रोमियन प्रोसेस मौजूद नहीं है, ये आ गई ऑक्स की, यहाँ पर ये एक्रोमियन प्रोसेस मौजूद होता है। स्पाइन ऑफ स्कैपुला मौजूद होता है, दूसरे नंबर पे एक्रोमियन प्रोसेस मौजूद होता है। उसके बाद सुप्रा स्पाइनस फोसा, ये वाला है सुप्रा स्पाइनस फोसा, जो कि क्रेनियल साइड पे है, स्पाइन की क्रेनियल साइड पे। और ये है इंफ्रा स्पाइनस फोसा, ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला की कार्डल साइड पे है। अब ये आ गई मीडियल सर्फिस। मीडियल सर्फिस की निशानी ये होती है कि यहाँ पर सेरेटेड सर्फिसेज मौजूद होती हैं, ये वाली, जहाँ से लाइट पास नहीं कर सकती। यहाँ ये हॉर्स की है इसलिए ये सेरेटेड सर्फिसेज हैं। ट्राइंगुलर शेप, ट्राइंगुलर ये बन रही है, एक ये बन रही है। उसके बाद यहाँ पर सब स्कैपुलर फोसा मौजूद है, ये वाला सब स्कैपुलर फोसा है, थोड़ा ग्रूव बन रहा है ये वाला। सारे डिफरेंस बताओ, ठीक सारे हुआ, एंगल बताओ। चलो स्टार्ट है। आगे इसके दो बॉर्डर्स हैं, एक क्रेनियल बॉर्डर है, एक कॉडल बॉर्डर है, तीन बॉर्डर है। जो क्रेनियल बॉर्डर होता है ये थिन होता है, बारीक है, कॉडल की निस्बत बारीक है, और ये शार्प भी है, यहाँ पर हाथ लगाएंगे तो जख्म भी आ सकते हैं, इसलिए थिन एंड शार्प। जबकि कॉडल बॉर्डर करेनियल की निस्बत ठीक है, ठीक है। और ये आ गया इसका डोर्सल बॉर्डर, डोर्सल बॉर्डर जो कि मेन मास के करीब है, यहाँ पर स्कैपुलर कार्टिलेज लगी होती है। अब इसके एंगल्स आ जाते हैं, एंगल्स तीन हैं, एक है करेनियल एंगल, एक है कॉडल एंगल, एक है वेंट्रल एंगल। करेनियल एंगल करेनियल बॉर्डर और डोर्सल बॉर्डर के दरमियान जो एंगल बनता है वो है क्रेनियल एंगल, और जो कॉडल बॉर्डर और डोर्सल बॉर्डर के दरमियान जो एंगल बनता है वो है कॉडल बॉर्डर। और जो क्रेनियल बॉर्डर और कॉडल बॉर्डर, इनके दरमियान ये वाला जो एंगल बनता है ये वाला है वेंट्रल एंगल। अब ये वेंट्रल एंगल की जो निशानी है, यहाँ पर है ग्लेनॉइड कैविटी मौजूद होती है, ये है ग्लेनॉइड कैविटी, ये ग्लेनॉइड कैविटी आ गई। ग्लेनॉइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड आके आर्टिकुलेट करता है। उसके बाद सुप्रा ग्लेनॉइड ट्यूबरकल होता है, ग्लेनॉइड के क्रेनियल साइड पे यहाँ पर मौजूद है सुप्रा ग्लेनॉइड ट्यूबरकल, ये वाला सुप्रा ग्लेनॉइड ट्यूबरकल है। और इसके बिल्कुल साथ ये मौजूद है कोराकाइड प्रोसेस, ये ब्लैक मार्किंग की हुई है कोराकाइड प्रोसेस। और इसके इंफ्रा साइड पे यानी कॉडल साइड पे इंफ्रा ग्लेनॉइड ट्यूबरकल मौजूद है, ये वाला, ये अस्सलाम यहाँ पर हॉर्स किया इधर मौजूद होता है लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है, वालेकुम। ऑक्स में मौजूद है, ऑक्स में ये इंफ्रा ग्लेनॉइड ट्यूबरकल है, यानी इंफ्रा ग्लेनॉइड ट्यूबरकल
मे और मे नॉट प्रेजेंट, किसी स्पीशी में होता है किसी में नहीं होता रोकने। अब इनके हम डिफरेंशियल पॉइंट्स पे आ जाते हैं, हॉर्स के, ऑक्स के और डॉग के। जो सबसे पहला डिफरेंशियल पॉइंट्स है स्पाइन ऑफ स्कैपुला का। स्पाइन ऑफ स्कैपुला हॉर्स में होती है स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट है, जबकि ऑक्स में है वेव लाइक, ऑक्स में है वेव लाइक, ये इस तरह वेव लाइक बन रही है इसकी शेप। और डॉग में भी हॉर्स की तरह ही स्ट्रेट होती है। आगे नेक्स्ट जो है एक्रोमियन प्रोसेस का डिफरेंस है। एक्रोमियन प्रोसेस हॉर्स में एब्सेंट होता है, यहाँ पर नहीं है, ऑक्स में प्रेजेंट है। ये वाला जूम करें, ये प्रोसेस प्रेजेंट है, डॉग में भी ये प्रेजेंट है, ये एक्रोमियन प्रोसेस। नेक्स्ट डिफरेंस है ट्यूबर स्पाइनी का। ट्यूबर स्पाइनी स्पाइन ऑफ स्कैपुला के पर मौजूद होती है। जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर ट्यूबरास्टी या ट्यूबरकल मौजूद होता है उसे कहते हैं ट्यूबर स्पाइनी। ये ओनली हॉर्स में प्रेजेंट होती है, जबकि ऑक्स में एब्सेंट है और डॉग में भी एब्सेंट है, नहीं मौजूद। नेक्स्ट फोसाज के डिफरेंस आ जाते हैं। फोसा सुपरा स्पाइनस फोसा और इन्फ्रा स्पाइनस फोसा, ये अनइक्वल है। सुपरा स्पाइनस फोसा छोटा है और इन्फ्रा स्पाइनस छोटे हैं, यानी हॉर्स में अनइक्वल है, ऑक्स में भी अनइक्वल है, एक छोटा एक बड़ा, जबकि डॉग में इक्वल है, एक छोटा एक बड़ा, हम ये नहीं कह सकते, दोनों ही तकरीबन बराबर है। अब नेक्स्ट डिफरेंस आ गया हमारे पास सब स्कैपुलर फोसा का। जो हॉर्स का सब स्कैपुलर फोसा है ये डीप है। इसके साथ ये वाला डीप है और ऑक्स का शैलो है, ये शैलो है, हॉर्स का डीप है, जबकि डॉग का भी शैलो है, मौजूद है लेकिन है शैलो। सबसे ज़्यादा डीप हॉर्स का है और इसका भी शैलो है, इसका भी शैलो है। नेक्स्ट आ गया डिफरेंस सेरेटेड सर्फिसज का। सेरेटेड सर्फिसज वो होती हैं जहाँ से लाइट पास नहीं कर सकती। हॉर्स की जो है सेरेटेड सर्फिस वो है ट्राइंगुलर, एक ये बन रहा कोना, एक ये बन रहा है और एक यहाँ पर बन रहा है, एक ये ट्राइंगल आ गई, एक ये ट्राइंगल, मतलब हम कह सकते हैं कि ये सेरेटेड सर्फिसज ऑफ हॉर्स आर ट्राइंगुलर। जबकि ऑक्स के अंदर जो सेरेटेड सर्फिसज होती हैं वो होती हैं मार्जिनल, यानी साइडों पे होती हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, ये हैं सेरेटेड सर्फिस मार्जिनल, मार्जिन के करीब करीब हैं। जबकि यहाँ पर डॉग के अंदर सेरेटेड सर्फिसज हैं रेक्टेंगुलर या क्वाड्रिलेटरल, चार इसके कोने बन रहे हैं, इस तरह जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस है वो है सुप्रा ग्लेनॉइड ट्यूबरकल और ग्लेनॉइड कैविटी के दरमियान डिस्टेंस की बेस पे। हॉर्स के अंदर ग्लेनॉइड कैविटी और सुप्रा ग्लेनॉइड ट्यूबरकल के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है, अवे होते हैं, बहुत दूर होते हैं, किनकी नस्बत, इनकी नस्बत। ऑक्स के अंदर ग्लेनॉइड कैविटी और सुप्रा ग्लेनॉइड ट्यूबरकल के दरमियान डिफरेंस कम है, हॉर्स के अंदर ज़्यादा है, जबकि इसके अंदर भी कम है, ना होने के बराबर है, होता ज़रूर है लेकिन ना होने के बराबर है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है एक्रोमियन प्रोसेस का। हॉर्स के अंदर एब्सेंट है एक्रोमियन प्रोसेस, यहाँ पर मौजूद होता है। एंडिंग ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला इज कॉल्ड एज एक्रोमियन प्रोसेस, एब्सेंट है। ऑक्स के अंदर प्रेजेंट है, डॉग के अंदर भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट ग्लेनॉइड नॉच, ग्लेनॉइड नॉच, ये वाली, ये नॉच ग्लेनॉइड नॉच है, जो ये मोर प्रोमिनेंट है, जबकि इधर आ जाए या ये ग्लेनॉइड नॉच है, ये भी मोर प्रोमिनेंट है, ठीक है। जबकि डॉग के अंदर जो ग्लेनॉइड नॉच है लेस प्रोमिनेंट है, ये मौजूद है लेकिन लेस प्रोमिनेंट है। ओके बात कर।